एक्सक्यूज मी, ये ऑटो मैंने रोका है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने ऑटो जाने के लिए ही रोका था। हाँ तो मैं भी इसमें जाने के लिए ही बैठी हूँ, आप कोई और ऑटो ले लो। लेकिन मुझे ना लेट हो रहा है, और वैसे भी इस रोड पे बहुत ही कम ऑटो आते हैं। लेट तो मुझे भी हो रहा है, और बहस करके आप और लेट कर रहे हो। भैया आप चलो। अरे भैया रुको, आप ऐसे कैसे चले जाओगे? जब ऑटो मैंने रोका है तो मैं ही जाऊंगा ना। अच्छा चलो मान लिया तुमने रोका है, लेकिन तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना, लेडीज फर्स्ट। हाँ तो फिर मतलब ये कि पहले तो मैं ही जाऊंगी। चलो भैया। अबे यार ये तो मेरे साथ वही सीन हो गया जैसे भंडारे में दाल वाले को आवाज कोई मारता है और वो डाल के किसी और में चला जाता है। ऑटो भी पता नहीं आया गया नहीं। लोग ऑफिस के पहले दिन लेट होते हैं और मैं यहाँ इंटरव्यू वाले दिन ही लेट हूँ, पता नहीं क्या ही होगा मेरा। हाँ जी मैडम, आप कहाँ? वो मेरा आज इंटरव्यू है। इंटरव्यू है या था? नहीं नहीं आज ही की डेट मिली थी। मैडम डेट के साथ कोई टाइम भी मिला होगा आपको? हाँ जी 11 बजे। अब बज रहे हैं मैम 12:15, अब आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता, आप अगले हफ्ते ही आना मैम। यहाँ भी अब तो ठंडक मिल गई होगी ना तुमको? ठंडक मिल गई होगी, ये क्या कह रहे हो आप? वही जो तुम सुन रहे हो, आज तुम्हारी वजह से मैं इंटरव्यू में लेट पहुंची हूँ। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि जिस ऑटो में मैंने आना था उसमें आप पहले बैठकर आ गए। पहले तो आ गई, लेकिन तुम्हारी बहस के चक्कर में लेट तो हो गई ना, मेरा इंटरव्यू ही नहीं हुआ। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे तुम्हारा भी इंटरव्यू ना हो। इंटरव्यू ना हो, लेकिन मैं तो इस ऑफिस इस ऑफिस में काम करते होगे। मैं तो कहती हूँ तुम्हें ना लेट होने की वजह से इस ऑफिस से ही निकाल दे, तब जाके चैन मिलेगा मुझे। फिर ना हवाएं होंगी इतनी बेशरम, फिर ना डगमग होंगी। अबे यार ये लड़की पागल है या मेरे को समझती है? खुद ही होगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दिमाग खराब। ये तो वही है ना ऑटो वाला? क्या बात, तुम अच्छे काम भी करते हो। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं बुरे काम भी करता हूँ। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। खैर तुम ऑफिस में गए? आपकी बद्दुआ लग गई मुझे। मेरी बद्दुआ? कैसे? वो मैं उस दिन जब लेट हो गया था तो आपने ही तो कहा था कि मेरे को ऑफिस से निकाल दिया जाए तभी आपको चैन मिलेगा, तो बस हो गया भाई, आपकी बद्दुआ लग गई। अरे लेकिन वो तो मैंने बस ऐसे गुस्से में बोल दिया था। हाँ लेकिन आपको ये नहीं पता, गुस्से में बोली हुई बातें अक्सर नुकसान ही करती हैं। तो क्या तुम्हें सच में ऑफिस से निकाल दिया है? हाँ तभी तो यहाँ पे हूँ, मैंने सोचा कुछ पुण्य ही कर लूँ, क्या पता जो भी लग जाए दोबारा। अच्छा तुम ना एक काम करो, मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। अरे अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा कॉन्टेक्ट मांग रहे हो? किया कुछ नहीं, वो क्या है ना मैं इंटरव्यू के लिए जाती रहती हूँ, तो अगर कोई बीच में आता है तो मैं भी बता दूंगी, क्या पता तुम्हारी कहीं जॉब ही लग जाए। आप सच में उस दिन वाले ही हो ना? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जहाँ उस दिन आके गोले बरस रहे थे वहाँ पे आज शहर टपक रहा है। वो इसलिए क्योंकि उस दिन हमारा युद्ध चल रहा था तो आके गोले बरसाने पड़े, और आज दोस्ती हो गई है तो इसलिए शहर टपक रहा है, क्योंकि दोस्ती में तो मिठास जरूरी है ना। काफी अच्छी है। क्या? आपकी बातें। काफी अच्छा है। क्या? तुम्हारा नेचर। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट दे दो और जैसे कोई वैकेंसी निकलेगी मैं तुम्हें बता दूंगी। 96। तेरे लिए हम हैं जी।
1395। हाँ मैंने लिख लिया है कॉन्टैक्ट। अच्छा आपने लिख लिया है। हाँ चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए एक दिन कभी जो खुद को तराशे, मेरी नजर से तू जरा हाय रे, आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा हाय रे, एक अनकही सी दास्ता कहने लगेगा ना सुभान चलो ठीक है आप आ जाओ, मैं आपका यहीं पे वेट कर रहा हूँ। वैसे आपका सही है, आपने अब तक ना मेरे को एक भी इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया। अरे बताऊँ तो तब ना जब कोई इंटरव्यू आए, अब तुम्हारे सामने ही है, मैं खुद कहाँ गई हूँ। हाँ ये भी है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बताओ ना क्या बात है। बस यार 24 की उम्र हो चुकी है और तो क्या ही टेंशन होनी, जिस भी जगह इंटरव्यू के लिए जाता हूँ कहीं भी क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आ रही आगे जाके लाइफ का क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा, देखते हैं क्या होता है। सब ठीक होगा। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है। देखो आज क्या होता है इंटरव्यू में। अरे जो होगा अच्छा होगा। मैं तो बस ये कहती हूँ मुझे जॉब मिले ना मिले लेकिन तुम्हें मिल जाए। मेरी जॉब की इतनी फिक्र क्यों? वैसे आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आप अपनी जॉब की वजह से इतना परेशान रहते हो और मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं देख सकती। चलो आप एक बार चलो मैं आता हूँ। हेलो हाँ जी मैम। वो आज ना मेरा यहाँ इंटरव्यू है तो उसी के लिए आई हूँ। अच्छा तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया? हाँ जी फॉर्म फिलअप मैंने ऑनलाइन कर दिया था। ठीक है गुड। वैसे तो मैं यहाँ कुछ टाइम पहले भी आई थी इंटरव्यू देने। तो फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था? वो एक्चुअली ना मैं उस दिन लेट हो गई थी तो हो नहीं पाया था। अच्छा तो आज एक घंटा पहले ही आ गए आप? हाँ जी। ठीक है आप आ जाओ मेरे साथ। हाँ तो भाई चले। अरे सर आप? सर? हाँ जी इस ऑफिस के एमडी। ऑफिस के एमडी? ये क्या कह रहे हो आप गगन, ये क्या कह रहे हैं? हाँ ये ठीक कह रहे हैं। अबे यार एक तो गाड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, ऊपर से आज इंटरव्यू है ऑफिस में, अगर बॉस ही लेट पहुंचेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इम्प्लॉइज पे। गगन इसको छोड़ ऑटो से निकल आज तो। लेकिन तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको अजमा रहा था। अजमा रहे थे मुझको? लेकिन क्यों? ये देख रहा था कि आज के टाइम में लड़कियां सिर्फ ऑफिस के एमडी से ही प्यार कर सकती हैं या फिर एक स्ट्रगल करने वाले लड़के से भी। ओके अरे क्या हुआ अब कहां जा रहे हो आप? तुम्हारा काम तो हो गया ना, तुमने आजमाना था और तुमने आजमा लिया।
हाँ तो मेरी अजमाई हुई चीज गलत थोड़ी हुई है। इस सही और गलत के चक्कर में मेरा क्या कसूर था जो मेरे साथ ऐसा किया? कसूर तो किसी का नहीं था, लेकिन इस वजह से मेरे को मेरा सच्चा प्यार तो मिल गया, जो आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे नैन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन।